चलो साइंस की मदद लेते हैं। मैं तैयार हूँ। आओ खोजें दुनिया ये प्यारी, आओ जाने करामातें सारी, साथ है साइंस और इमेजिनेशन, होगा कमाल और रहेंगे रोशन। डाबर ऑन न्यूज, मजे मजे में करो और सीखो। डाबर ऑन न्यूज, जंगल इनका दोस्त है, देखो का है टा। क्या पहले मैं कर सकती हूँ डाविन? प्लीज प्लीज प्लीज। ओ ठीक है, जरा पहले मुझे कांटा डालने दो। लो, तुम्हें याद है कि इसे कैसे डालना है? जरा रुको, कांटा डूब क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ये बहुत हल्का है, हम सिंकर लगाना तो भूल ही गए। अच्छा, इसी को सिंकर कहते हैं क्योंकि ये भारी होता है और ये डूब जाता है। यही तो प्लान है। वाह क्या बात है, गुड जॉब न्यूट्स। ये डूब रहा है, चलो मछली फंस जाओ। मछलियाँ कहाँ हैं? मछली पकड़ने में कुछ वक्त लगता है, तुम थोड़ा सब्र करो। और ये लो दादा कोरो की मछली पकड़ने वाला लकी हैट। सच्ची? चलो देखते हैं। बहुत ज्यादा वक्त हो गया है, शायद यहाँ कोई मछली है ही नहीं। वो वहीं कहीं नीचे होंगी। चलो फिर तुम्हारी बारी, मछली फंस जाए तो मुझे बता देना। तुम्हें जरूर बताऊंगा। न्यूट्स, तुम क्या कर रही हो? मैं बस देख रही हूँ कि ये तैरेंगे या डूब जाएंगे। नहीं नहीं, ये भी नहीं। मालूम है पत्थर नहीं तैरते। हाँ सही समझा न्यूट्स, लेकिन तुम इसी तरह अपनी टेस्टिंग करती रही तो सारी मछलियाँ डर के भाग जाएंगी। उप्स, माफ करना। अब क्या? हेलो दोस्तों, मेरी बीच बॉल के लिए माफ करना, ये मेरे हाथ से छूट गई थी। कोई बात नहीं हिना। क्या मछलियाँ फंस रही हैं? अभी तक तो नहीं। अरे तुम्हारी बीच बॉल तो पानी पर तैरती है। बिल्कुल तैरती है, ये पानी से हल्की है क्योंकि ये हवा से भरी है जिससे ये उछलती भी है। मैं तो सिर्फ ये देखने के लिए खेल रही थी कि कौन सी चीजें तैरती हैं और कौन सी डूब जाती हैं। तुम खेलोगी? बिल्कुल। इन लकड़ियों के बारे में क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से वो तैरेंगी। हाँ शायद, चलो देखते हैं। हम सही थे, तो लकड़ियाँ तैरती हैं लेकिन पत्थर डूब जाते हैं। पता नहीं क्यों। लकड़ी हल्की है, शायद इसलिए तैरती है। और ये बड़ा सा तना डूबेगा या तैरेगा? तैरेगा। तुम्हें क्या लगता है? डूबेगा, ये काफी भारी है। चलो देखते हैं। वो डूब गया। जरा रुको, ये ऊपर आ गया। न्यूट्स, मैं एक मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उप्स, फिर से माफ करना डार्विन। चलो और देखते हैं।
कुछ और चीजों को भी आजमाते हैं। हे, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, किया, जाओ ना यहाँ से। चमकदार, चमकदार, किया, शरारती परिंदा, छोड़ो उसे। ओ नहीं, दादा कोरो का लकी फिशिंग हैट। हमें इसे वापस लेना ही होगा। ये आखिर तैर कैसे रहा है? इसलिए क्योंकि शायद इसके अंदर कुछ हवा फंस गई है, पर वो ज्यादा देर नहीं रहेगी। ये तो डूबने लगा। रुको, मैं इसे पकड़ने की कोशिश कर सकता हूँ। मैंने मिस कर दिया। कोई बात नहीं, वो शाख में फंस गया है। पानी वहाँ गहरा है, जाना मुश्किल है, और ये अभी भी डूब रहा है। हमें इसे डूबने से पहले हासिल करना होगा। न्यूट्स हिना, जल्दी चलो साइंस की मदद लेते हैं। कुछ चीजें भारी होने की वजह से डूब जाती हैं, कुछ चीजें तैरती हैं क्योंकि वो हल्की होती हैं। खासकर अगर उनमें हवा भरी हो। टोपी तक पहुंचने के लिए हमें ऐसी चीज चाहिए जिस पर हम तैर सकें। हे, देखो किया किस पर बैठा है। झूला, और वो टायर हवा से भरा हुआ है। मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। मैं तैयार हूँ। है उमा, ये है देवन, ये पकड़ो मेली, ये रहते हैं ये अपने दादा दादी के साथ। मजेदार कहानियाँ, हल्ला गुल्ला, दोस्ती, घर वाले और एडवेंचर। कहाँ गया? चलो मिलकर नहलाते हैं। तो फिर खेलो उमा और देवन के साथ, अब उर्दू ज़बान में सिर्फ टून स्पॉट पर। पेश है मेरी ताजा तरीन इजाद, लकी हैट रिट्रीवर फ्लोटिंग टायर। देखो, वाह, क्या बात है न्यूट्स। अब हम इस पर तैर कर वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हाँ, और हिना रस्सियों को पकड़े रखेगी ताकि हम दूर ना निकल जाएं। चलो जल्दी करो, लाइफ जैकेट्स, इन्हें पहनो। चलो चले। वो रहा। हाँ, अभी तक शाख में फंसा हुआ है, जल्द करो। लकड़ी के टुकड़े को पैडल के तौर पर इस्तेमाल करो। अगर हम साथ में पैडल मारे तो हम उसी तरफ जा सकते हैं। ये तो काम कर रहा है। दोस्तों, हाँ, पकड़ो उसे जल्दी। ओह नो, मेरा लकी हैट डूब गया। तुम्हें वो नजर आया? यहाँ नीचे, यहाँ नीचे। किया को मिल गया? क्या बात है किया? वो रहा। हो, मेरा हाथ उस तक नहीं जा रहा। ध्यान से न्यूट। मैं पैडल से कोशिश करता हूँ। ये हेड तो बहुत नीचे है। एक मिनट। ये सिंकर कांटे के नीचे गहराई की तरफ जा रहा है। मछली पकड़ने में इतना वक्त क्यों लगता है? इसमें तो कुछ वक्त लगेगा, थोड़ा सब्र करो। और मछली पकड़ने का एक लकी हैट। शायद मैंने इसे पकड़ लिया। जल्दी ऊपर खींचो। ओह वाओ, मेरा
अंदर की हेड बाहर आ रहा है। शाबाश डार्विन, तुम कमाल कर रहे हो। हम हैं जबरदस्त। इसमें कोई ताज्जुब नहीं, पानी में डूबने की वजह से ये भारी हो गई थी। लेकिन ये हिल क्यों रही है? इसमें मछली है। वाओ! ये हैक तो वाकई लकी है। तुमने सच मुझे से मछली पकड़ी। क्या है ये? मेरे ख्याल में हम इसे कहेंगे एक हैड फिश। Ha 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 ha!